आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का छठा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक करना है और शेयर करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें प्रोटेक्टर चाहिए, राउंडर इसे कंपास भी बोलते हैं, कंपास चाहिए, पेंसिल चाहिए और एक स्केल चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आवश्यक है। अब हम इंग्लिश हिंदी और मराठी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उस क्वेश्चन को समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन थर्ड एंगल एग्जाम्पल 6 टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल क्वेश्चन ड्रॉ एंगल ABC ऑफ एनी मेजर एंड बाइसेक्ट इट। हिंदी प्रश्न विभाग तीसरा कोण उदाहरण छठा दिए गए कोण के दो समान भाग करो। प्रश्न किसी भी नाप का कोण ABC निकालना है और उसके दो समान भाग बनाए। मराठी प्रश्न कोणत्याही मापाचा कोण ABC काढून तो दुभागा। इस प्रकार से नंबर 6 वाला क्वेश्चन हमने इंग्लिश हिंदी और मराठी में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें किसी भी नाप का एक ABC कोण करना है। उसके लिए इस कोण की जो बेस लाइन है उसे पहले निकालना है। इसे नाम देना है BC, क्योंकि क्वेश्चन में कोण का नाम दिया है ABC, इसलिए हमें यहाँ इस कोण को नाम देना है ABC। यहाँ पर प्रोटेक्टर लेना है और प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट बी पॉइंट से मैच करना है और ये जो ब्लैक वाला लाइन है इसको BC लाइन से मैच करना है। इस प्रकार से आपने मैच नहीं किया तो आपका कोण गलत होगा और आपका ये एग्जांपल रॉन्ग होगा। इसलिए इन छोटे छोटे बातों को आपको केयरफुली लेना है। यहाँ पर आप किसी भी नाप का कोण कर सकते हो। आज हम 60 डिग्री वाला यहाँ पर एक एंगल करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यहाँ पर मैंने एक मार्क किया और इस मार्क को लाइन से क्या करना है, जोड़ना है। इस प्रकार से यहाँ पर नाम देना है A। यहाँ पर एंगल किया हमने 60 डिग्री का, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है 60 डिग्री। इस प्रकार क्वेश्चन में दिए गए अनुसार हमने किसी भी नाप का कोण ABC निकाला है और इसके बाद इसके हमें दो इक्वल पार्ट दो समान भाग बनाने हैं। तो वो दो समान भाग हमें प्रोटेक्टर की मदद से नहीं बनाने हैं, तो राउंडर कंपास की मदद से बनाने। वो कैसे बनाने हैं यह बहुत ही इजी तरीके से हम देखने वाले हैं। अब हमें कंपास में डिस्टेंस लेना है, ये जो AB और BC लाइन है इससे थोड़ा कम, यह डिस्टेंस हमें अप्रोक्सीमेटली लेना है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिया है और यहाँ पर एक आर्क बनाऊंगा और यहाँ पर एक आर्क बनाऊंगा। मैंने AB लाइन पर एक आर्क बनाया और BC लाइन पर एक आर्क बनाया। इस आर्क ने AB लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है X और यहाँ पर पॉइंट मिला है, इसको नाम देना है Y। BC लाइन पर इस आर्क ने क्रॉस किया, यहाँ पर पॉइंट मिला, उसे नाम दिया हमने Y। इस प्रकार से हमें X और Y दो पॉइंट मिले। अब हमें
यक्ष पर इस राउंडर का कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर यक्ष वाई से थोड़ा कम ये भी डिस्टेंस हमें अप्रोक्सीमेटली लेना है और राइट साइड को एक आर्क बनाना है। उसी प्रकार से उसी डिस्टेंस से कंपास में का जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा नहीं करना है। वाई पर हमें इस कंपास का स्टील वाला पॉइंट रख के इस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। इस प्रकार से दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, वहाँ पर हमें पॉइंट लेना है, उसे डार्क करना है और उस पॉइंट को नाम देना है पी। पी पॉइंट और बी पॉइंट को हमें लाइन से जोड़ना है। इस प्रकार से इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यह क्वेश्चन हमारा सही राइट आया है कि नहीं इसे हमें चेक करना है। तो प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर को बी पॉइंट और बीसी लाइन से मैच करके देखना है। हमने 60 डिग्री का यह ट्रायंगल बनाया था एबीसी, तो इसके इक्वल पार्ट हमने बनाए हैं। तो देखो पीबीसी यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल हमें मिल गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमारा राइट आया है, सही आया है। बच्चों आज का यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।